अमूमन अधिकारी नेता अपने बच्चों का जन्मदिन शहर के किसी सितारा होटल में मनाते हैं। वहीं इसके विपरीत मुन्नालाल यादव बीआरसी जनपद शिक्षा केंद्र जोरा ने अपनी बेटी दिव्या यादव का जन्मदिन नवोदय स्कूल के पीछे नाथ समुदाय की बस्ती में जाकर जो शिक्षा से कोसों दूर है ऐसे गरीब बच्चों के साथ मनाया, जहां पर नाथ परिवार के बुजुर्ग महिलाओं एवं बच्चों को मिष्ठान फल वितरण किए एवं बच्चों के लिए कापी पेंसिल ज्ञान गंगा और अन्य पाठ्य सामग्री वितरित की। मुन्नालाल यादव बीआरसी जनपद जिला शिक्षा केंद्र जोरा के बताया कि बेटी दिव्या का जन्मदिन गरीबों के साथ मनाने की इच्छा थी, आप लोगों के बीच में आकर बड़ी प्रसन्नता हुई। यादव ने गरीब बस्ती में स्कूल न होने की जानकारी ली, बच्चे कहाँ अध्ययनरत करते हैं इसकी भी जानकारी ली और कहा के लोगों ने बताया कि यहाँ पर स्कूल नहीं, बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है। तो यादव ने उसी वक्त एसडीएम नीरज शर्मा से बात की और कहा कि एक नवीन स्कूल स्वीकृत कराने का प्रस्ताव बनाने पर विचार किया जाए और वहां के लोगों को आश्वस्त किया कि हर संभव लोगों की मदद करेंगे। बेटी दिव्या ने गरीबों के बालक बालिकाओं के साथ बैठ कर जन्मदिन की खुशियाँ मनाई, गरीब बच्चों को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। उन्होंने बस्ती के गरीब बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए शिक्षा से जुड़ने को कहा। साथ ही उपस्थित मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के तहसील अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने भी बच्ची को डायरी पेन देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि गरीबों के साथ जन्मदिन मनाने में जितनी खुशी हुई है उतनी बड़े होटल में नहीं मिल सकती थी। जौरा से अंकुश मंगल की रिपोर्ट। मेरा बर्थडे 7 दिसंबर को कल था और हर साल मेरा बर्थडे एक उत्सव की तरह मनाया जाता था घर पे, लेकिन इस बार मैंने कुछ सोचा कि इस बार कुछ अलग करते हैं बर्थडे पे, और मेरे पापा और मेरे घर के सभी सदस्यों ने अलग सोचा कुछ और हमने मेरा बर्थडे एक ऐसी जगह सेलिब्रेट किया जहाँ जो बच्चे थे वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो विकास की मुख्य धारा से बहुत दूर हैं। तो मैंने देखा वहाँ कि बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, कुछ रुकावट है, स्कूल बहुत दूर है और रास्ता सही नहीं है, तो उसके लिए मेरे पापा उनके सहभागी बहुत काम कर रहे हैं और मैं होप करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी उनके स्कूल उनको मिल जाए और वो अच्छे से पढ़ पाए, ये मेरे लिए उनके लिए आशा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ सेलिब्रेट करके अपना बर्थडे। आशा करती हूँ उनके उनकी शिक्षा, जो कि मेन चीज़ है आज के ज़माने में, शिक्षा उनको मिल पाए, ये मेरा मेन मोटिव था कल सेलिब्रेट करने का। थैंक यू वेरी मच। बेटी का जन्मदिन मैं प्रतिवर्ष मनाता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि बेटियों को बराबर हक मिलना चाहिए और उनको लड़कों से ज़्यादा तवज्जो दी जाना चाहिए। बेटियों के प्रति जो भेदभाव है उसके लिए मैं कविताएं भी लिखता हूँ और मेरी ऐसी सोच है कि कन्याओं के साथ न्याय होना चाहिए, उनको बराबर अवसर मिलने चाहिए। प्रतिवर्ष हम समारोह पूर्वक उसका बर्थडे अपने घर पर मनाते थे, अब की बार मेरा भी विचार था और बिटिया का भी ऐसा विचार था कि अपन ऐसे तबके भी के बीच में जा कर के जन्मदिन मनाएं जो कि विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है और उनके लिए वैसे तो हम क्या दे सकते हैं लेकिन उपहार मिठाई वगैरह और कुछ किताबें कॉपियां पेंसिल वगैरह पहाड़े वगैरह उनके लिए हमने दिए और उनकी समस्या से भी हम रूबरू हुए। चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, शिक्षा का अधिकारी हूँ, तो मैंने स्कूल के बारे में उन्होंने मांग रखी तो मैंने एसडीएम सर से बात की कि सर इस प्रकार की समस्या है, क्राइटेरिया में ये जगह नहीं आ रही है क्योंकि 1 किलोमीटर के पास दूसरा स्कूल है लेकिन नाला है बीच में। तो श्रीमान एसडीएम साहब ने मुझे बिल्कुल सकारात्मक रुख अपनाते हुए ये कहा कि प्रस्ताव हम माननीय जिलाधीश महोदय के पास भिजवाएंगे। बीआरसी महोदय द्वारा मुझे बिटिया के जन्मदिन के बारे में बताया गया। उनका मानना था कि जन्मदिन इस वर्ष गरीब और वंचित परिवारों के बीच में मनाया जाए। मैंने उनसे पूछा कि यह पहल आखिर किसकी है, तो उन्होंने बताया कि यह बिटिया का इस प्रकार का मानना है तो अपन सभी साथियों के साथ चलते हैं और बिटिया की जैसी इच्छा है उस प्रकार से उसके जन्मदिन को मनाते हैं। तो चूंकि मैं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का तहसील अध्यक्ष हूँ तो सभी साथियों के साथ जाना मैंने उचित समझा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक बेटी की इस आधुनिक युग में आज के बेटे बेटियां अधिकतर 5 स्टार और टूरिस्ट स्थानों पर जाना पसंद करते हैं लेकिन एक बेटी की ऐसी पहल कि वो गरीब और पिछड़े समाज के बीच में जाकर के इस तरीके का जन्मदिन मनाना, तो मुझे वास्तविक इससे मैं
बहुत प्रसन्न हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।